हेलो, कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा आपसे एक ज़रूरी बात की जाए। आपने देखा है आजकल यंग बच्चे, बल्कि कई बार आप भी, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कटे होते हैं, फटे होते हैं, होल्स होते हैं। मैं बिल्कुल भी फैशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, रादर आई एम प्रो इट। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, नया कपड़ा जो होता है, जो हम नया कपड़ा पहनते हैं, ये वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र, शुक्र यानी कि पूरा, शुक्र यानी कि खूबसूरत, शुक्र यानी कि शिमरिंग प्लैनेट। तो अगर आपका शुक्र मजबूत होगा तो ज़िंदगी में प्लेजर्स और लग्जरी आएंगी। लेकिन फटा हुआ छेद वाला कपड़ा केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु अगर इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पहना जाए, या बहुत ज़्यादा जो लोग फटे हुए जाली वाले नेट वाले कपड़े पहनते हैं, उनका केतु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब केतु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ने लग जाता है, और जब आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है तो आप और स्ट्रेस में आते हैं। इसीलिए आपने देखा है, पहले के टाइम में छोड़िए, हम आज भी देखिए, जब हम रास्ते पे देखते हैं, हमें किसी को भीख देनी होती है, किसी को हमें कुछ दान करना होता है, तो उसके कपड़े जितने ज़्यादा फटे हुए होते हैं, हमें साइकोलॉजिकली उतना ही ज़्यादा लगता है कि हाय बेचारा, इसके क्या हालात हैं, और हम उसको दिल खोल कर देते हैं, ऐसा करते हैं। इसीलिए वंस इन अ वाइल ठीक है, आप टोन जीन्स पहन रहे हैं, टोन क्लोथ्स पहन रहे हैं, इस तरीके से फैशन कर रहे हैं, वंस इन अ वाइल इट्स गुड, कोई बात नहीं, कीजिए। लेकिन इसको रेगुलरली नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने गलत प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप गलत ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप पे कर्जा भी चढ़ेगा और साथ साथ आपके पास पैसा भी नहीं टिकेगा। अगर आपकी ये आदत है या आप डेली बेसिस पर इसको कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि इस आदत को बदलिए।